टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक 9 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल अपहरण करने वाले लोगों ने 40 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। अंबरनाथ इलाके में सोनू कुमार जो वड़ा पाव का कारोबार करते हैं और इनका 9 साल का बेटा कृष्णा जो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था मगर वापस लौटते समय कुछ लोगों ने कृष्णा का अपहरण कर लिया। काफ़ी वक्त गुजर गया, जब कृष्णा घर नहीं लौटा तो सोनू कुमार और उनकी पत्नी ये दोनों लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन लगाकर जानकारी लेने की कोशिश करने लगे कि क्या कृष्णा उनके घर आया है, लेकिन कृष्णा का कुछ पता नहीं चला। तभी सोनू कुमार की मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है और कहा जाता है कि आपका बेटा हमारे पास है और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। जिसके बाद अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में माँ बाप पहुँचे और कृष्णा के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने भी इस पूरे मामले को बड़े ही संज्ञान में लिया। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक पुलिस आयुक्त मोहिते इनकी पूरी टीम बच्चे के सर्च ऑपरेशन में जुट गए। अपराधियों ने इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया था और गोपनीय जानकारी के मिलने के बाद इन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके चंगुल से बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है प्रभात कुमार 30 वर्षीय, अमजद मंसूर खान 23 वर्षीय, योगेंद्र जवाहर लाल सिंह 20 वर्ष, सुनील सीताराम लाड जिसकी उम्र 57 वर्ष है। बहरहाल अब ये चारों अपहरणकर्ता पुलिस के चंगुल में है। शिवाजी नगर एरिया में ग्रीन सिटी एरिया है, वहाँ कृष्णा नाम का एक 9 साल का लड़का है। वो 7 बजे ट्यूशन के लिए जाता है और फिर बाद में 8 बजे वो घर वापस नहीं आता है। घर वाले सब उसको उसकी छानबीन करते हैं, रिलेटिव के पास जाते हैं, फ्रेंड के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं कि मिलता नहीं है। फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद फिर एक ऑफेंस हमने दाखिल किया और फिर दूसरे दिन हमारे माननीय पुलिस आयुक्त जगजीत सिंह सर उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिए, क्राइम ब्रांच को इंस्ट्रक्शंस दिए, लोकल पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दिए और फिर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम उसमें क्राइम ब्रांच की 5 टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की 5 टीम ये पूरी टीम काम में लगी जुड़ गई और उसकी खोज में जुड़ गई। तो इस दरमियान 40 लाख की रैंसम के लिए उनका कॉल आ गया था, इसीलिए ये घटना बहुत ही संवेदनशील हो गई थी। इसीलिए पूरी कोशिश करके आज 11 तारीख को 3 दिन के बाद वो बच्चों को हमने सही सलामत वो मिला है, सुखरूप मिला है और 3 आरोपी को हमने अभी तक अरेस्ट किया है। इसमें जो क्राइम ब्रांच की टीम भी है, लोकल पुलिस स्टेशन की भी टीम है, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है और टेक्निकल एनालिसिस और लोकल इनपुट जो भी मिला उस आधार पर हमको ये यश मिला। सर बताया जाता है कि जो अपहरण करते हैं वो बच्चे के रिलेटिव है, इसमें कुछ नहीं? अभी तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा नहीं है, वी विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट।